Hello everybody, I'm Neeta Sharma from Metal Computers. आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को. लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस के बारे में आपको पता रहे और ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़े मेरी वीडियोस को. और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस अपलोड होते ही इंफॉर्मेशन मिल सके. और आइए हम बढ़ते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की ओर. तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें सबसे पहले बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को जानना होगा. और रूल्स को अभी हम जानते हैं, लेकिन इससे पहले फिर वापस एक बात और कि आप यदि चाहें तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को भी वही पहले डेसिमल में चेंज कर लें, डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लें उसका, और फिर दोनों का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के डेसिमल में इंटू करने, मल्टीप्लाई करने, और फिर जो परिणाम आए उसको वापस बाइनरी में चेंज कर सकते हैं. तो इससे आपके प्रूफ भी हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा. बाय द वे, अगर आपको बिल्कुल बाइनरी में निकालना नहीं आता है तो आप इस प्रोसेसर को ले सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करके कर सकते हैं. लेकिन यदि मीन्स ये तो सिचुएशन हुई कि अगर आपको नहीं आता है, लेकिन आपको आना चाहिए, और उसके लिए मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है. तो सबसे पहले हम उनके रूल्स देखते हैं. तो रूल्स देखिए, जीरो इंटू जीरो हमेशा जीरो होता है, जीरो इंटू वन हमेशा जीरो होगा, वन इंटू जीरो हमेशा जीरो होगा, और वन इंटू वन हमेशा वन होगा. सॉरी, मैंने यहाँ जीरो लिखा हुआ था, वन इंटू वन हमेशा वन होगा. तो आइए अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 और 11 को, ठीक है. तो देखिए, हम यहीं पे इसका डेसिमल भी ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो, हमारा रिजल्ट भी सही आ जाए. तो मैं इसके ऊपर 1 और 2 लिख देती हूँ. हमें पता है डेसिमल में चेंज करने के लिए बाइनरी नंबर्स के ऊपर 1, 2, 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए गुना, 2 गुना करते हुए हम लिखते जाते हैं, और फिर उनको हम इसको और इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है इसको प्लस कर देते हैं. तो देखिए, यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, इसका मतलब इसका बाइनरी डेसिमल जो इक्विवेलेंट है वो है 2 एकम 2, क्योंकि 2 प्लस 0 2 हो गया. और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, तो 1 और 2 यानी 2 1 2 और 1 1 1 यानी 2 प्लस 1 यानी ये हो गया 3. और अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परिणाम होगा 3 2 6, और 6 का डेसिमल क्या होता है, हम इसी तरीके से लिख के यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 4, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हमारा 6 इसी में आ जाएगा, 4 और 2 यानी 4 प्लस 2 करें तो 6 होता है. इसका मतलब बाकी सबको 0 कर दें हम और 4 और 2 को 1 1 कर दें तो हमारे पास परिणाम आ जाएगा 6, यानी हमारा रिजल्ट आना चाहिए 1 1 0. आइए अब हम देखते हैं कि हमारा परिणाम क्या आता है. यहां हमने इसको समझ लिया, अब देखते हैं हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई. पहले हम वही जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम पहले एक डिजिट से पूरी ऊपर की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस लगा के नीचे की तरफ दूसरी डिजिट से सबको मल्टीप्लाई करके आगे की तरफ लिखते हैं. ठीक वैसे ही हम करेंगे, पहले हम 1 से करते हैं. देखिए, 1 0 0 1 1 1, फिर हम एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 0 0 1 1 1. देखिए, आइए अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आया, 0 1 और 1. देखिए, हमारा रिजल्ट 1 1 0 1 1 0. इस प्रकार से हमने देखा कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, और बहुत इजी वे में हम इसे समझ गए हैं. जितने भी डिजिट्स हो आप वही क्रॉस लगाते हुए जैसे हम सिंपल अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, ठीक वैसे ही इसको भी कर सकते हैं. और यदि मेरी वीडियोस आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ एक बार फिर कहूँगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. ओके, बाय, थैंक यू.